नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जो टीम पिछले कई दिनों से आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर बनी हो, जिस टीम का खिलाड़ी भी आईसीसी की बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर वन हो, यही नहीं गेंदबाजी रैंकिंग की टॉप फाइव लिस्ट में भी दो गेंदबाज हो, ऐसी टीम को अगर साल 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तो छोड़िए सेमीफाइनल लायक भी ना समझा जाए तो शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सिर्फ हैरानी की ही बात नहीं, ये उस टीम के लिए किसी बेइज्जती से भी कम नहीं होगा। और ये बेइज्जती हुई है बेचारे पाकिस्तान की। दरअसल अक्टूबर 2020 में शुरू होने जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट दिग्गजों ने अभी से अपनी भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। ऐसी ही एक भविष्यवाणी की है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने। लेजेंडरी विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट ने चार टीमों का चयन किया है जो अगले साल T20 का सेमीफाइनल खेल सकती है। यही नहीं गिलक्रिस्ट ने तो ये भी भविष्यवाणी की है कि फाइनल में भारत खेलेगा। एडम गिलक्रिस्ट ने कहा, संभवतः भारत सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगा। मैं ये नहीं बता सकता कि कौन टूर्नामेंट जीतेगा, लेकिन भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेलेंगे। एडम गिलक्रिस्ट ने भारत के तौर पर एक फाइनलिस्ट तो बता दिया, लेकिन उन्होंने ये अनुमान लगाने से मना कर दिया कि कौन टीम विजेता हो सकती है। गिलक्रिस्ट के फैब फोर में भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो शामिल है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान को फैब फोर में ना चुने जाने के सवाल पर गिलक्रिस्ट ने कहा कि इस फॉर्मेट में पाकिस्तान नंबर एक रैंक पर है, इसीलिए आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन T20 क्रिकेट एक लॉटरी है, इसमें आप तब तक विजेता घोषित नहीं कर सकते जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए। गिलक्रिस्ट की फैब फोर में शामिल टीम इंडिया आईसीसी T20 रैंकिंग में पांचवे नंबर पर है, न्यूजीलैंड छठे नंबर पर है और इंग्लैंड चौथे नंबर पर, जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है। वहीं गिलक्रिस्ट के फैब फोर में जगह बनाने में नाकाम पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर वन है। यही नहीं 868 रेटिंग के साथ बाबर आजम नंबर वन पर बरकरार है, जबकि गेंदबाजों की रैंकिंग में पाक गेंदबाज इमाद वसीम दूसरे नंबर पर है और शादाब खान चौथे नंबर पर। T20 वर्ल्ड कप के लिए भविष्यवाणी करने वाले एडम गिलक्रिस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके गिलक्रिस्ट के नाम 96 टेस्ट में 17 शतक, एक दोहरा शतक, 26 अर्धशतक के साथ 5,570 रन है, जबकि 287 वनडे में 16 शतक, 55 अर्धशतक के साथ 9,619 रन है। विस्फोटक बल्लेबाज रह चुके एडम गिलक्रिस्ट बेहतरीन विकेटकीपर भी रह चुके हैं।